क्या किसी ने सोचा था साल 2020 ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को फाइनेंशियली कमजोर करेगा बल्कि दिल को भी झकझोर कर रख देगा। पूरे हिंदुस्तान को इस साल ने पूरी तरह से झकझोर दिया है। पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जो महामारी की वजह से तबाही मचाई है उससे निजात पाने के लिए हर एक शख्स को इंतज़ार है, लेकिन इन सब के बीच ज़िंदगी से हार मानकर हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूसरी ओर रुखसत करके अपनी नई दुनिया में जाने वाले उन कलाकारों की बात की जाए जिन्होंने 34 दिनों के अंदर लॉकडाउन के इस स्थिति में अपने ज़िंदगी को खोया है, तो वाकई आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। किसी ने कोरोना के आगे हार मान ली तो किसी को खतरनाक कैंसर ने इस तरह जकड़ा कि ज़िंदगी को निकल गई ये बीमारी, तो किसी ने खुद की हालातों के आगे खुद को इतना मजबूर किया कि अपने ज़िंदगी को खो देने के लिए वो खुद शख्स तैयार हुआ। 34 दिनों के अंदर 15 बड़े कलाकारों का गुजर जाना सबसे दुखदाई साल बन गया है साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आपको बता दें एक के बाद एक 11 हस्तियों के गुजरने की, साथ में कई जाने माने चेहरों के गुजरने की खबर साल 2020 में बीते 2 महीनों के अंदर आई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी 2 दिनों पहले की बात है, वाजिद खान का निधन हुआ। इससे पहले संगीतकार योगेश वाजिद खान ने कोरोना के आगे ज़िंदगी हार मानी, तो संगीतकार योगेश जिन्होंने ज़िंदगी कैसी है पहली, कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गानों को लिखकर लोगों की तारीफ बटोरी, वो भी हमेशा के लिए ज़िंदगी छोड़ गए जो काफ़ी तकलीफ में रहे। इससे पहले मेबिना माइकल भी कार हादसे की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी। उनका हादसा रुला देने वाला था जो कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री है। प्रेक्षा मेहता टीवी की मशहूर एक्ट्रेस 25 साल की थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। नाराज़गी फाइनेंशियल कंडीशन बुरे होने को लेकर थी जिसकी वजह से लॉकडाउन में उन पर ऐसा असर पड़ा कि वो अपनी ज़िंदगी की आके हार मानने के लिए तैयार हुई। तो वहीं इसी के साथ शफीक अंसारी की बात की जाए, तमाम शोज़ बॉलीवुड फिल्मों में नज़र आए शफीक अंसारी कैंसर से जूझ रहे थे जिसने उन्हें हरा दिया। साई गुंडेकर भी उन्हीं में से एक है। फिल्म पीके और रॉक ऑन में काम कर चुके साई गुंडेकर का भी कैंसर की वजह से निधन हुआ। इससे पहले अमोस आमिर खान के कई सालों से साथ रहने वाले उनके सेक्रेटरी अमोस का निधन 60 साल की उम्र में हुआ। और तो और सचिन कुमार 42 साल की उम्र में, सचिन कुमार जो कि अक्षय कुमार के रिश्ते में कजन लगते थे, उनका में निधन बहुत तकलीफ दे था। अभिजीत की बात की जाए तो अभिजीत भी उन टीवी स्टार्स में से एक है जो कि शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए थे, उनका भी निधन कुछ दिनों पहले ही हुआ। और तो और मनमीत ग्रेवाल टीवी इंडस्ट्री की ये मशहूर अभिनेता भी चल बसे 16 मई की तारीख को फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक तंगी की वजह से वो हार गए थे और ज़िंदगी उन्होंने खो दिया। मोहित बघेल भी उन्हीं में से एक है। जी हाँ, 23 मई की तारीख को उनका निधन हुआ। कैंसर जैसी घातक बीमारी से वो काफ़ी समय से लड़ रहे थे। सुजल शर्मा का भी निधन बहुत तकलीफ दे था। और तो और निमी एक्ट्रेस निमी 60 साल की उम्र में हमेशा के लिए हम सबसे दूर जा चुकी हैं। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिस शख्स के चले जाने पर बड़े बड़े कलाकारों को गम रहा है और रहेगा, तो वो है इरफान खान। लेजेंड इरफान खान जिनके जाने पर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बात की जाए बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर की, तो 30 अप्रैल की तारीख को ऋषि कपूर के जाने पर किसने आंसू नहीं बनाए, हर एक शख्स ने आंसू बनाए जो कि क्रिटिसाइज करते थे ऋषि को और जो प्यार करते थे ऋषि को, सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। 9 न्यूज़ रूम।